ऊना के एमसी पार्क में पर्ल कंपनी को लेकर इंसाफ की आवाज संगठन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अवतार सिंह भागला और मनजीत सिंह तंबर ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पर्ल कंपनी में अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई को वापस लेना था। इस कंपनी के बंद होने से लगभग 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इंसाफ की आवाज़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार महिंदर पाल सिंह जो कि 26 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाली 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ की आवाज़ के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उन्होंने पर्ल कंपनी के सभी निवेशकों से अपील की है कि वे वहां आकर अपना समर्थन इस रोष रैली में दें। आज अब ऊना में इकट्ठा हुए हैं तो क्या मकसद है? सर, ऐसा है कि सरकार ने एक PACL कंपनी को जन्म दिया 1983 के बीच में, तो हमारे लीडरों ने इस कंपनी को रजिस्टर किया। रजिस्टर करते समय भी जे लोग उस समय भी मोटा फंड लेते हैं और रजिस्टर करने के बाद सभी लोगों ने अपने साथ एल्बम्बा बनाया और उसके बाद लोगों ने इस कंपनी के बीच में हम आके काम किया। दिन रात लोगों ने इस कंपनी के बीच में पैसा डाला, तो जब पैसा काफ़ी भारी मात्रा के बीच में इकट्ठा हुआ तो प्रकाश सिंह बादल ने चार बार गरीबों के खून पसीने की कमाई से वर्ल्ड कबड्डी कप कराया। उसके बाद हम कंपनी का धीरे धीरे काम बिगड़ने लगा। CBI ने तकरीबन 1.5-2 साल इस कंपनी की इंक्वायरी करती रही कि ये कंपनी अनलीगल तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो CBI ने भी तकरीबन 1.5-2 साल तक कंपनी के दफ्तर जो है वो बंद कर दिए। सारा जिन्ना भी कंट्रोल है CBI ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया था 2 फरवरी 2016 केस हमारे हक में कर दिया और SEBI एक लोडा कमेटी नियुक्त की गई कि आप इनका पैसा 6 महीने के बीच बीच में वापस करें, लेकिन 6 महीने तक पब्लिक इंतजार करती रही लेकिन लोडा कमेटी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर लोग अपने पैसे को लेने के लिए जगह जगह पर धरने प्रदर्शन करने लगे और हर मुख्यमंत्री, MLA और ऊपर तक अपने मेमोरेंडम दिए, किसी ने भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी। तो एक बार मेडिकल ज्ञान सागर, वो पंजाब के एक आदमी व्यक्ति थे जो कि BJP के थे, उनको उन्होंने 5 करोड़ का ये खरीद लिया। हम लोग वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए जिस दिन उनको हैंडओवर करना था, तो इकट्ठे होकर वहाँ पर हमने जोरदार एक धरना प्रदर्शन किया और मेडिकल ज्ञान सागर को छुड़ा लिया। 20,000 करोड़ की कीमत है उसकी, जो कि 20,000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी थी और 5,000 करोड़ मिली भुगत के नाल उसको बेचा गया था। उसके बाद हमने उसको छुड़ा लिया। तो फिर काफ़ी जगह जगह पर हमने धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसी तरह मोदी सरकार ने आने पर मोदी सरकार ने 25 तारीख का प्रोग्राम रखा है, उसके बीच में हम मोदी जी को अपना बल दिखाना चाहते हैं। हम भारी संख्या के बीच में लोग संसद रोड SBI बैंक के सामने इकट्ठे हो रहे हैं और मोदी जी को हम बताना चाहते हैं कि हमारा 6 करोड़ आदमी है, उनका पैसा वापस किया जाए और 6 करोड़ के पीछे हर घर के 4-4, 5-5, 6-6 मेंबर भी हैं, यानी कि लगभग 30 करोड़ आदमी हैं। जेकर मोदी जी हमारी फिर भी बात नहीं सुनेंगे तो उसके बाद हम अपनी पार्टी बना के मोदी जी ने जरूर इस बार हरावांगे। जो मोदी जी ने हम चेतावनी देते हैं। हाँ जी, मैं आपके आगे बेनती करता हूँ मीडिया के आगे कि आपके माध्यम से हम बेनती करते हैं कि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि बद तो बद लोग वहाँ पर पहुँचें और इस जंग को हम जीत सकें। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पूनम शर्मा की रिपोर्ट।